मैं आया हुआ हूँ दुबई और देखने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। म्यूजियम जाते हुए दुबई की सड़कों पर मुझे सुपर कार तो इतनी कॉमन दिख रही थी जैसे कि हमारे देश में अल्टो और वैगनार दिखती है। खैर सुपर कार से नजरें हटा के हमने एंट्री ली म्यूजियम के अंदर, जहां हमें सबसे पहले देखने को मिला ये रोबोट डॉग, जिसकी चाल देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये डॉग 26 जनवरी की परेड में आया हो। बात तो सही है। फिर मैं गया म्यूजियम के अंदर जाने की टिकट लेने के लिए, लेकिन मुझे पता चलता है कि म्यूजियम के अंदर जाने की सारी टिकट सोल्ड हो चुकी हैं। फिर यहाँ से निराश होकर मैं चला जाता हूँ दुबई फ्रेम देखने के लिए, जिसकी टिकट मुझे मिल जाती है। एक लंबी लाइन में वेट करने के बाद मैं एंट्री करता हूँ फ्रेम के अंदर, जहां सबसे पहले एंट्री करते ही हमें दिखाया जाता है एक म्यूजियम जिसमें ओल्ड दुबई के बारे में दिखाया जा रहा होता है। और उसके बाद मैं पहुंचता हूँ फ्रेम की ऑब्जर्वेटरी में, जहां फ्रेम के एक साइड दिखता है हमको ओल्ड दुबई और दूसरी साइड दिखता है हमको न्यू दुबई। मतलब कि ये जो फ्रेम है डिवाइड करता है ओल्ड दुबई और न्यू दुबई को। फिर फ्रेम से निकलने के बाद मैं पास ही के पार्क में थोड़ा चिल करता हूँ और आज के अपने इस यादगार दिन को खत्म करता हूँ अपने एक पुराने फ्रेंड से मिलकर। फिर मिलेंगे ऐसे किसी नए मिनी व्लॉग के साथ। बाय बाय।